लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, डीजल के दामों में 5 पैसे की गिरावट। ऑटोमेशन से भारत में 9% लोगों पर मंडराया बेरोजगारी का खतरा, आईएमएफ की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। टेलीकॉम कंपनीज की एजीआर फीस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा आदेश का पालन नहीं करना है तो बेहतर है कोर्ट बंद करना। चालू कारोबारी साल में सरकारी बैंकों के साथ अब तक 1,00,000 करोड़ का फ्रॉड, बैंक फ्रॉड के कुल 8,926 मामले हुए दर्ज। ओडिशा सरकार ने 1,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, 1,450 लोगों को मिलेंगी नौकरियां। कार बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स की नई योजना, कंपनी करेगी पेट्रोल पंप के जरिए कार्स की बिक्री। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित प्रोजेक्ट लंदन मार्ट की आरसी पर कोर्ट ने लगाया स्टे, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जारी की थी आरसी। इस साल दिवाली तक शुरू हो सकता है देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक में शामिल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 2021 थी डेडलाइन। भारत में मोबाइल उत्पादन के बंद होने का मंडराया खतरा, चीन के कोरोना वायरस का असर। फरवरी में ह्यूंडई क्रेटा पर मिल रहा है 1,15,000 रुपए का डिस्काउंट, नई क्रेटा के लॉन्च से पहले BS4 SUV पर भारी डिस्काउंट।